हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजी ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे वैगन रिपेयर शॉप जो कोटा है वहाँ का क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। ये जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है रैंकर्स कोटा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेट है 5 तारीख अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 5 अक्टूबर 2019 को एग्ज़ाम हुई है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे 110 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आपको मालूम है टाइम 2 घंटे का दिया गया है, ठीक है। ये रैंकर्स वालों का है, उनको जो कि MCM बनने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और ये एग्ज़ाम सिर्फ वही दे सकते हैं, ठीक है। पहले जो रेलवे थी वो डायरेक्ट MCM से JEE का प्रमोशन आता था, अब MCM बन गए हैं, फिर भी आपको एग्ज़ाम देकर ही JEE बनना पड़ेगा। और डिफ़िकल्ट होता है जो LDCE 225% जो है जनरल एग्ज़ाम जो होते हैं LDCE, उससे डिफ़िकल्ट होता है इसका क्वेश्चन। अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। देखिए इसमें 100 मार्क्स अटेम्प करना है, एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट ऑफ द एक्सल। जो एक्सल का इंटरनल जो होता है क्रैक, वो जाँचने के लिए कौन सा किया जाता है, तो इसको UHT किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ठीक है। तो एक का हो जाएगा बी, ठीक है, एक का बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है, UHT का मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, जो कि जो बड़े बड़े आयरन्स हैं उनको बिना काटे इसको टेस्ट कर लिया जाता है। इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए कि बिना डिस्ट्रॉय किए ये मेटल को इंटरनल क्रैक को जांच लेते हैं, इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया कहा जाता है। तो UAC भी उसी का प्रकार है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, फ्यूल फिल्टर, जो फ्यूल फिल्टर होता है वो कौन से शेड्यूल में बदले जाते हैं। तो फ्यूल फिल्टर जो है वो प्रिवेंटिव शेड्यूल में बदले जाते हैं, प्रिवेंटिव, ठीक है, ए हो जाएगा, हो गया। आगे देखते हैं, 2 का A है 3 का देखिए, कारखाना झांसी जो है उसमें किस प्रकार की इंसेंटिव स्कीम लागू है। तो कारखाना झांसी में CLW इंसेंटिव, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप का जो पैटर्न है वही लागू है, इसको CLW इंसेंटिव कहा जाता है। और इसके बारे में आपको मटेरियल मिल चुका है, तो उसका जरा गहन से अध्ययन कीजिए ताकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गैस गैस इज यूज इन मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है। तो मिग वेल्डिंग में आर्गन, हीलियम, CO2 एंड ऑक्सीजन भी यूज होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दिया है, CO2, DA, ऑक्सीजन, नन ऑफ देम। तो मुख्य रूप से CO2 ही इसमें यूज होता है, तो इसका ए लगाएंगे, ए, ठीक है। मिग वेल्डिंग में कौन सा लगाते हैं, CO2। और आप CO2 का वेल्डिंग करते हुए प्रोडक्शन यूनिट में देखते भी होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है तो वही प्रिंसिपल ऑफ चीफ मैकेनिकल होता है, ऐसे मेंबर होता है मैकेनिकल का, लेकिन इसको मेंबर, तो इसमें जो PCME है वही उसका आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। 5 का हो जाएगा C। चलिए 6 देखते हैं, नए बॉक्सन चक्के का अधिकतम व्यास है, मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का मैक्सिमम जो व्हील डाया होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1000 mm, ठीक है। और कंडेमनिंग अगर आपसे पूछे तो 906 होता है, ठीक है, तो 6 का हो जाएगा A। चलिए 7 का देखिए, EOT क्रेन हैज़, EOT जो क्रेन होता है उसके मोशंस कितने हैं, मतलब कितना गति जो है कितने प्रकार की है। तो EOT जो क्रेन होता है उसका जो गति है वो होता है 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की गति होती है। एक जो उसका होस्टिंग जो होता है, अप डाउन मतलब ऊपर जाता है, अप एंड डाउन, ठीक है, 2 हो गया। क्रॉस ट्रेवल होता है, मतलब कि ये साइड से वो साइड, अगर बीच में कोच लगा हुआ है तो ये साइड से वो साइड भी आती जाती है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट भी होती है, तो 3 हो जाएगा, अप डाउन, क्रॉस ट्रेवल, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तीनों को आप ध्यान में रखेंगे तो 7 का हो जाएगा B 3। 8 का देखिए, कोटा लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग। 3 शिफ्ट वर्किंग का जो व्हील लेथ होता है उसका कोटा लाइफ कितना होता है। तो इसका जो कोटा लाइफ होता है वो होता है 9, ठीक है, 9 वर्ष होती है, ठीक है। बी हो जाएगा, 8 का B। और अगर आपको 2 शिफ्ट वर्किंग में अगर आप पूछे, 2 शिफ्ट वर्किंग में, तो
15 ईयर्स होता है, 15 साल, ठीक है, तो 8 का हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर, कोडल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर टू शिफ्टिंग वर्किंग इज, एयर कंप्रेसर का टू शिफ्ट में वर्किंग होता है, उसका कोडल लाइफ कितना होता है, तो टू शिफ्ट वर्किंग है तो टू शिफ्ट वर्किंग में हो जाएगा इनका 15 साल, ठीक है। अगर थ्री शिफ्ट वर्किंग में पूछता तो 9 साल होता, ठीक है। तो दोनों का थ्री शिफ्ट में होता है 9 साल और टू शिफ्ट में 15 साल, चूँकि थ्री शिफ्ट में ज़्यादा काम होगा तो कम उसका जो कोडल लाइफ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसा ऐसा करके आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा दिमाग लगा के इसका ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पीओएच ऑफ बॉक्सन वैगन, जो बॉक्सन वैगन होता है उसका फर्स्ट पीओएच कब होता है, ठीक है, इज डन आफ्टर डैश ईयर। तो जो बॉक्सन वैगन जो होता है उसका बॉक्सन वैगन यह हुआ, या बॉक्सन एचएस हो गया, या बॉक्सन एचएल हो गया, बॉक्सन आर हो गया, इन सब का जो पीओएच होता है वो 6 साल पर होता है, ठीक है। और आपको सब्सिक्वेंट मतलब कि उसके बाद फर्स्ट पीओएच तो होगा 6 साल पर, उसके बाद जो पीओएच होगा वो 4.5 साल पर होगा, 4.5 ईयर्स पर, ठीक है। तो उसको सब्सिक्वेंट पीओएच बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कहीं कहीं सीधे आपको फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा, सीधे पीओएच दे दिया और ऑप्शन में आपको 6 साल नहीं मिला, 4.5 ईयर्स मिला, तो आप 4.5 ईयर्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मीनिंग ऑफ पीसीओ इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में हर वर्कशॉप में एक पीसी होता है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका मीनिंग होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे, जोनल रेलवे में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है उसका हाई अथॉरिटी जो होता है पीसीएमई होता है, ठीक है, वो जो है वो रिपोर्ट सीएमई से ऊपर होता है पीसीएमई, उसके बाद जो रिपोर्टिंग जाता है वो जीएम के पास जाता है सभी डिपार्टमेंट का। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो गया वो पीसीएमई हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, पीसीएमई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्डनेस इज इंक्रीज्ड इन इन केस हार्डनिंग, जो हार्डनेस बढ़ाई जाती है वो मतलब जो बढ़ाई जाती है वो किस में बढ़ाई जाती है वो आपसे पूछ रहा है। तो हार्डनेस जो है हमेशा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल में बढ़ाई जाती है। चलो आगे देखते हैं, डीवी इज़ ओवरहॉल्ड इन, डीवी जो ओवरहॉल्ड होता है वो कौन सा कब होता है, तो पीओएच के समय ही तो होता है, ठीक है, तो हो जाएगा ए पीओएच के टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द वर्क ऑफ लिमिट स्विच इज, लिमिट स्विच जो है उसका क्या काम है वो आपसे पूछ रहा है। लिमिट स्विच जो है इसका काम है टेस्ट टू स्टॉप क्रेन, क्रोन के जो क्रेन होता है उसको स्टॉप करने के लिए, क्रेन से रिलेटेड है। और जो भी जमालपुर के जो है, जमालपुर में भी एग्ज़ाम होने वाली है, वहाँ के जो भी हैं उनको ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपको वहाँ आ सकती है। ए ए सी इज फोर, ए ए सी क्या है, नॉन स्टॉक आइटम है कि स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक का जो हमने मटेरियल दिया है उसमें आप ढूंढ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, जो भी हमने आपको क्वेश्चन लगभग 150-200 के लगभग दिया है, वो आप उसको याद कर लीजिए। अगर आप उसको याद करते हैं तो जो भी क्वेश्चन स्टोर के आएंगे वहीं से आएंगे। तो 16 का हो जाएगा, ये हो गया स्टॉक आइटम, ठीक है, ए ए सी क्या है, स्टॉक आइटम। चलिए हो गया, जो ए ए सी है उसका फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछ ले कोई या एग्ज़ाम में है तो उसका होता है एवरेज एनुअल कंजम्पशन, ठीक है, एवरेज एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड इन डीपीटी, डीपीटी में जो होता है ड्राई पेनिट्रेंट टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें सरफेस को जो होता है वो उसका क्रैक दिखाया था, जैसे व्हील है, अब व्हील सेक्शन में कभी जाके देखिएगा, एक रेड कलर का एक वाइट कलर का इस तरह का जो व्हील का जो मेन जो होता है उसका पोर्शन जहाँ से हो संभावना रहती है कि क्रैक हो सकती है, वहाँ उसको पेनिट्रेंट टेस्ट करके चेक किया जाता है कि कुछ क्रैक है कि नहीं, या जहाँ से कुछ जैसे एक्सल लगाते हैं वहाँ भी चेक किया जाता है कि वहाँ कुछ क्रैक तो नहीं हो गया है। तो आपको यही याद रखना है कि डीपीडी टेस्ट जो है सरफेस उसको
चेक करने के लिए था। ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही है क्योंकि इसमें भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है, आयरन का कोई भी पार्ट्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो 17 का हो जाएगा सरफेस ए। उसके 18 देखिए, डैश बेयरिंग इज फिटेड इन बॉक्सन। बॉक्सन में कौन सा बेयरिंग फिट किया जाता है? बॉक्सन में जो है फिट करने वाला जो बेयरिंग है वो CTRB है, ठीक है, CTRB है। लेकिन आप LHB का CTRB अलग, इसका CTRB अलग है, ठीक है, इसको वो CTRB नहीं ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, आगे देखिए 19। आपको वही पूछेगा CTRB देगा तो आप CTRB ही लगाएंगे। मशीन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ। कौन सा मशीन जो है यूज किया जाता है गियर टीथ में? तो गियर टीथ में जो टीथ मतलब बनाने के लिए जो होता है गियर के दांत हैं, उसको बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसको मिलिंग कहा जाता है, ठीक है। 19 का हो जाएगा बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी। अगर मशीन से रिलेटेड आपको कुछ भी आपके पास है तो उसको याद कर लीजिएगा, मिलिंग का, गियर का, कौन कौन सा मशीन होता है, लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सब याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपको आते रहते हैं। चलिए उसके बाद हो गया, ये सब ITI का सिलेबस में आपको मिलेगा मशीन के बारे में। फाइनल फिट ऑफ वैगन इज गिवन बाय। गिवन का जो फाइनल फिट होता है वो कौन देता है? तो वो जो देते हैं वो NTXR, ठीक है, NTXR। आपने अगर ड्यूटी किया होगा NTXR में तो आपको मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, RCF इज लोकेटेड। RCF कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। तो 22 का हो जाएगा बी, बहुत ही ईजी प्रश्न था। 23 देखिए, रेल स्प्रिंग बनाने का कारखाना यानी कि रेल स्प्रिंग वर्कशॉप इज एट। रेल स्प्रिंग वर्कशॉप कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है? तो रेल स्प्रिंग वर्कशॉप जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, लेकिन ग्वालियर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो क्या है जो उसका जगह है वो है सी है, उसको पढ़िए क्या है, सिठोली है, ठीक है, यही जगह है, लेकिन ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो वो किस जगह पर है वो याद कर लीजिए, वो भी अभी एग्ज़ाम में पूछ देगा। चलिए जैसे जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली सभी को मालूम है, लेकिन उसका जो प्रॉपर जगह है वो लालगंज कहलाता है, ठीक है, उसी तरह आपको ये भी है। तो थोड़ा घुमाने के लिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है ताकि कन्फ्यूज हो जाए। देखिए क्वेश्चन 24, इन CNW पैटर्न JEE गेट्स जो है, JEE जो है CNW पैटर्न में JEE को कितना इंसेंटिव जो है परसेंटेज मिलता है वो आपसे पूछ रहा है। तो JEE को जो है JEE को 80% मिलता है, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है, 80%। चलिए आगे देखते हैं 25 देखिए, इंसेंटिव का 80% मिलता है, ठीक है, अलाउ टाइम अलाउ, चलिए क्वेश्चन 25 देखिए, अलाउ टाइम इज इक्वल टू नॉर्मलाइज टाइम डैश इनटू विद गेजिंग, मतलब जो अनुमत समय है और बराबर क्या है सामान्य समय गुने कितना बराबर विदाउट गेजिंग। विदाउट गेजिंग बोल रहा है, हमने आपको बताया था कि गेजिंग के साथ और विदाउट गेजिंग के साथ कितना होता है। तो जो ये 25 है उसका हो जाएगा सी, 1.65, ठीक है, 1.65 25 का हो जाएगा सी। चलिए 26 देखिए, द फाउंडर ऑफ वर्क स्टडी वाज। वर्क स्टडी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, आविष्कारक कौन थे? तो उनका नाम था FW टेलर, ठीक है, FW टेलर। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, अमेरिकन केमिकल इंजीनियर थे। तो इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना याद रखे वर्क स्टडी के फाउंडर FW टेलर थे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे में रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत का आपको बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे, डायरेक्ट इसको रट लेते हैं अगर आप। तो चलिए और समझ समझ के रटते हैं, इससे रिलेटेड और अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे वर्क स्टडी के बारे में पूछा तो वर्क स्टडी से रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, किसी मशीन से पूछा तो और दूसरे मशीन के बारे में 5-10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं। इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सफल हो जाइएगा, ठीक है। और मटेरियल तो मैं देता ही रहता हूँ आपको पढ़ने के लिए बीच बीच में।
और टेस्ट भी आपसे लेता ही रहता हूँ। टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप लोग का आता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए, यदि किसी अनुभाग में 120 मशीनें हैं और उनमें से 20 मशीनें बंद हैं तो अनुभाग की दक्षता क्या होगी, मतलब कि इफ़ नंबर ऑफ मशीन इज सेक्शन 120 एंड आउट ऑफ 20 मशीन द एफिशिएंसी। अच्छा, तो एफिशिएंसी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका जो हो जाएगा 83.33 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन का चीज़ है, लेकिन इतना कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में रख लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव बोनस, इंसेंटिव बोनस का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अब आ गए हैं। ठीक है, तो जो 50% है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है 50% तक अर्जित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा काम कर भी लेते हैं तो भी उसको उससे ज़्यादा आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखिए, 29। हालांकि बहुत सारे वर्कशॉप में अब जो इंसेंटिव का रूल्स है वो थोड़ा चेंज हुआ है, किसी किसी वर्कशॉप में 39% या 40% ही दिया जाता है, लेकिन जो CLW पैटर्न है वो हमसे पूछ रहा है। हम लोग डायरेक्ट वर्क पर नहीं जाएंगे, जो हमारा मटेरियल देता है, जो हमारा RDSO या कैमटेक जो देता है उस पर जाएंगे, या रेलवे के जो रूल्स हैं उस पर जाएंगे। ठीक है, पास जो होता है, PTO जो होता है, उसका किस प्रकार से लोग यूज कर लेते हैं, मिसयूज कर लेते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। जो लिखा हुआ क्या है रूल्स में उस पर हम लोग जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इन डैश टेक्निक स्टॉप वॉच इज़ नॉट यूज, कौन सा टेक्निक में विराम घड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो टेक्निक है वो है मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी, ये वर्क स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, मेथड स्टडी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इनडायरेक्ट वर्क इज एडमिसिबल टू गेट, जो इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं उनको कितना इंसेंटिव मिलता है वो आपसे पूछ रहा है। तो जो इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है। ठीक है, जो सपोर्टिंग जो होता है, स्टाफ जो होता है, उन लोगों को भले मिल जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है। जो कि प्रोडक्शन में जिनका भागीदारी नहीं है उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन इंसेंटिव दे दिया जाता है। उनको किस प्रकार से दिया जाता है, आप तो आप सोचते होंगे कि हमारे वर्कशॉप में वो भी इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, उनको कैसे इंसेंटिव मिलता है, तो ये आप जानते भी होंगे। उनका नाम जो है, क्योंकि काम वो भी कर रहा है तो उनका नाम जो है किसी जो यूनिट है जहाँ इंसेंटिव है वहाँ उनका नाम डाल के उनका इंसेंटिव दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो भी बेचारा काम कर रहा है, लेकिन रूल्स ऐसा नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। आप मैंने पहले ही बोला है कि आप धरातल पर नहीं उतरिएगा, जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा। मुझे तो ये सब बात बोलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग में यही अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए, इंसेंटिव अलाउंसेस इज परमिसिबल, जो इंसेंटिव का जो अलाउंस है वो कितना परमिसिबल है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इसका ये जो है 33.33 है, परमिसिबल है। ठीक है, लाभांश भत्ता जो है 33.33% है, तो सी हो जाएगा 31 का सी। 32 देखिए, PAC आइटम परचेज बाय, जो PAC आइटम होता है, जो PAC आइटम परचेज बाय, ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर, नन ऑफ दी। ठीक है, तो PAC जो आइटम होता है वो होता है सिंगल टेंडर। ठीक है, सिंगल टेंडर। चलिए, आप ये जो PAC होता है उसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो उसका जो फुल फॉर्म होता है प्रोप्रियरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रोप्रियरिटी आर्टिकल सर्टिफिकेट ये उसका फुल फॉर्म होता है, और ये सिंगल टेंडर होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। डैश इज डन बाय SWTR, SWTR में क्या होता है, सिंगल वैगन टेस्टरिंग उसका फुल फॉर्म होता है, सिंगल वैगन टेस्टरिंग। ठीक है, सिंगल वैगन टेस्टरिंग, तो वैगन का टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसमें वैगन का टेस्टिंग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इफ रेटिंग इज 80% एंड ऑब्जर्व टाइम इज 50 मिनट्स, ठीक है, द नॉर्मलाइज टाइम, ये थोड़ा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन हो गया, तो जो नॉर्मलाइज टाइम होता है उसका फार्मूला होता है एक्चुअल टाइम इंटू ऑब्जर्व रेटिंग बाई 80 हमेशा 80 ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो इंसेंटिव का जो रेटिंग है वो 80 होता है, तो आप हो जाएगा नॉर्मलाइज, क्या निकालना है आपको, नॉर्मलाइज टाइम निकालना है,
एक्चुअल टाइम इंटू ऑब्जर्व रेटिंग, रेटिंग आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और एक्चुअल टाइम 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें 80 ही हमेशा भाग में रहता है, ठीक है, ये 80 सिटी कट जाएगा, 50 जो है आंसर हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा, 50 जो है ऑप्शन बी में है, 34 का हो जाएगा बी। 35 देखिए, इंसेंटिव स्कीम जो है, डैश डिपार्टमेंट सप्लाई द मटेरियल टू द शॉप, जो इंसेंटिव स्कीम जो होता है उसमें जो मटेरियल सप्लाई होता है वो कौन से शॉप से होता है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो शॉप पूछा, अगर स्टोर से पूछता तो अलग बात है, शॉप पूछ रहा है तो जो इसका जो होता है प्रोग्रेस शॉप से होता है। 35 का हो जाएगा बी, ठीक है, 35 का बी हो जाएगा। चलिए 36 देखिए, नंबर ऑफ कैटेगरी इन CLW पैटर्न, CLW पैटर्न में कितने कैटेगरीज हैं, तो CLW पैटर्न जो है इसमें कितने कैटेगरीज हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक होता है स्किल्ड, ठीक है, दूसरा सेमी स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ये 3 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, और उसी के आधार पर उनको इंसेंटिव मिलता है। तो 36 का हो जाएगा ए। 37 का देखिए, द इंसेंटिव कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज डन बाय, द इंसेंटिव जो है गणना किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो इंसेंटिव कैलकुलेशन वर्क डन इज डन बाय, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये जो किया जाता है वो रेट फिक्सिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, रेट फिक्सिंग के द्वारा किया जाता है। प्रोग्रेस, अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में हमने उसको प्रोग्रेस शायद बोला है, उसको आप कैलकुलेशन करेक्शन कर लेंगे, उसका रेट फिक्सिंग आंसर है, रेट फिक्सिंग याद रखिएगा। इंसेंटिव कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इज डन बाई, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो चुका है, तो ये रेट फिक्सिंग डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 हो गया है, 37 तो हो ही गया, 38 की तरफ चलते हैं, ऐसी करते करते क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं, मुझे और वीडियो बनाने पड़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें, यदि चलिए इफ आइडियल टाइम इज मोर देन, देखिए बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं इनको हिंदी नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में भी समझा देता हूँ और उनका अंग्रेजी का भी काम हो जाता है, इसलिए मुझे इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। इफ आइडियल टाइम इज मोर देन 15% ड्यूरिंग वर्क देन द इंसेंटिव ऑफ सुपरवाइजर विल बी डिडक्टेड, जो कार्य के लिए जो एक्स्ट्रा व्यर्थ जो समय जाता है तो उसके लिए सुपरवाइजर के जो इंसेंटिव उसको काट लिया जाता है। तो कितना टाइम वेस्ट होगा और कितना कटिंग होगा, इसका एक चार्ट है, ठीक है, वो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो इस सबसे पहले तो इसका आंसर जो हो जाएगा, 15% से अधिक अगर कट रहा है तो सुपरवाइजर को कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, इनको हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, 38 का हो जाएगा डी। चलिए कटौती कितने परसेंट होगी, अच्छा 100% कटौती हो जाएगी, ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज नहीं होगा, ए होगा। अच्छा यदि देखिए व्यर्थ समय जो है यदि 2-5% तक होता है, 2-5%, तो 10% जो है बोनस कट हो जाएगा इंसेंटिव सुपरवाइजर लोगों का। यदि टाइम वेस्ट 5% to 15% होता है तो 20% कट हो जाएगा, अगर 15% से एबव है तो नो बोनस, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। आप वीडियो को रोक के, अगर आप संभव हो तो कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि एक बार दिमाग से निकल गया तो एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील, मतलब स्टील में कार्बन की जो प्रतिशतता है वो बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ठीक है, क्या बढ़ जाएगी इसमें, तो उसमें जो बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा उसका ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटलनेस। चलिए ब्रिटलनेस हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, डैश इज टेस्टेड बाय जाइलो टेस्ट, जाइलो टेस्ट में कौन सा टेस्ट किया जाता है, उसमें क्रैक टेस्ट किया जाता है, क्रैक, ठीक है, 40 का हो जाएगा ए। 41 देखिए, डैश mm इज द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ BTPN व्हील, जो BTPN टैंक वैगन जो होता है उसका व्हील का कंडेमनिंग लिमिट पूछ रहा है, तो वो ऐसे तो टैंक वैगन का अलग होता है लेकिन BTPN का ही से पूछे तो आप उसका कंडेमनिंग होता है 906, 41 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और जो टैंक बैगन उसको अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन BTPN का ही पूछे तो हमने 906 लगाएंगे। डैश, अच्छा 42 देखिए, डैश kg सेंटीमीटर स्क्वायर इज द प्रेशर ऑफ ब्रेक इन ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक जो सिलेंडर का ब्रेक एप्लीकेशन के समय उसका
ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर क्या होगा, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 42 जो है इसका 3.8 केजी होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है। मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर का कैपेसिटी है जो वही है 3.8 केजी ही वो प्रेशर रिलीज करता है, उससे कम भले करता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। चलिए 43 देखिए, आफ्टर डैश ईयर्स द पीओएच ऑफ बीसीएन इज डन। बीसीएन वैगन का जो पीओएच होता है वो कितना वर्ष के बाद होता है, तो बीसीएन वैगन जो है उसका पीओएच 6 ईयर्स के बाद होता है, ठीक है, 6 ईयर्स के बाद होता है, या याद रखिएगा 43 का हो जाएगा बी। 43 का इसमें सब्सिक्वेंट ये सब कुछ नहीं पूछा है, हम बी लगाएंगे 43 का बी। चलिए 44 देखिए, डैश एम एम इज द डाया ऑफ न्यू व्हील ऑफ बी एल सी वैगन। जब बी एल सी वैगन में थोड़ा चेंज हो जाता है, बी एल सी वैगन का व्हील का डाया कुछ अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी एल सी वैगन का डाया के बारे में क्या बोल रहा है, डैश एम एम इज द डाया ऑफ न्यू व्हील ऑफ बी एल सी वैगन, न्यू व्हील का पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यू व्हील का जो होता है 840 होता है, याद रखिएगा 840 न्यू व्हील का। कंडेमनिंग अगर आपसे पूछे तो 780 mm का होता है, 780 mm, 840, 780, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डैश इज डन बाय एबीसी एनालिसिस। इधर इन्वेंट्री कंट्रोल आपको तो मालूम ही है, इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है वही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ए, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसको भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन को ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चलिए 46 देखिए, डैश आइटम हैज़ पीएल नंबर। कौन सा आइटम जो है के पास पीएल नंबर होता है, पीएल नंबर सबके पास नहीं होता है, कौन से आइटम के पास होता है, तो जो स्टॉक आइटम होते हैं उनको भी होता है, उनके पास होता है, उनका पीएल नंबर होता है। और पीएल नंबर तो हमने आपको बताया था 8 डिजिट का होता है, प्रत्येक डिजिट का क्या मीनिंग होता है हमने 2-3 वीडियो में ऐसा बता दिया है। यदि आप फिर भी नहीं समझे होंगे या नहीं बराबर वीडियो देखते होंगे तो आप देखते रहिए, कोई ना कोई वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पीएल नंबर वाला हो गया 47 देखिए, कंडेमनिंग मटेरियल इज सेंट टू स्टोर ऑन। जो कंडेमनिंग मटेरियल है उसको स्टोर में भेजा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑन किसके द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन देखिए, कंडेम नोट, स्क्रैप टिकट, इशू टिकट, TS8 नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर डी। और इसको S1539 भी कहा जाता है, 1539 भी कहा जाता है, ठीक है। तो TS8 नोट जो है इसको S1539, ठीक है, याद रखिएगा S1539 भी इसको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 47 का डी, रिलीजिंग टाइम ऑफ एयर ब्रेक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। जो एम्प्टी कंडीशन होता है उसमें बॉक्सन वैगन का जो रिलीजिंग टाइम होता है वो कितना होता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा सी, 45 से 60 सेकेंड, 45 to 60 सेकेंड, ठीक है। कोचिंग में अलग होते हैं, तो कोचिंग का और इसमें लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, और अभी तुरंत आप जाके देख लीजिए अपने PDF में कि कोचिंग में क्या होता है। जैसे ही डाउटफुल क्वेश्चन मिले तुरंत PDF में देखिए, उसको क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही कन्फ्यूजन जमा होते होते आपके क्वेश्चन दिमाग में 50-60 से अधिक हो जाएंगे, उसी 50-60 में से अगर 20 क्वेश्चन मिस हो गया तो आपका एग्ज़ाम मिस हो गया। जैसे ही आप कुछ भी डाउट मिले डायरेक्ट PDF में जाइए, उसको मिलाइए और उसको कंफर्म हो लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द पेंट यूज्ड इन डिफेंस वैगन ऑफ। जो डिफेंस का जो वैगन होता है उसमें कौन सा पेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो पेंट का यूज तो आपको मालूम है कौन सा कलर का किया जाता है, लेकिन उस कलर का नाम भले ही ध्यान में नहीं होगा तो उसका नाम जो है ब्रिलियंट ग्रीन है, ठीक है, ब्रिलियंट ग्रीन डी हो जाएगा। जो फौज आर्मी लोगों का जो बोगी होता है उसका कलर कुछ अलग होता है, उसको ब्रिलियंट कलर कहा जाता है, ठीक है, 49 का हो जाएगा डी। चलिए 50 का देखते हैं, डैश परसेंट LR इज अलॉटेड इन वर्कशॉप। जो LR जो वर्कशॉप में अलॉट किया जाता है वो कितना परसेंट किया जाता है, ये बहुत पहला क्वेश्चन है जो किसी एग्जाम में नहीं आया है, तो वो जो है उसका हो जाएगा
12.50, ठीक है 12.50%, तो 50 का हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। द ब्रेक पाइप डाया इन वैगन इज, वैगन में जो ब्रेक पाइप का डाया होता है वो कितना होता है, तो ब्रेक पाइप का डाया वैगन में आपसे पूछ रहा है, तो वैगन में होता है 32, ठीक है बीपी 32। द ब्रेक पाइप का जो डाया होता है इन वैगन में 32 होता है, और फीड पाइप का अगर पूछे तो फीड पाइप का भी 32 ही होगा, ठीक है क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा होता है। चलिए 53 देखिए। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज, ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, तो मैक्सिमम तो 3.8 ही होता है, ठीक है तो 53 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन बाय, जो इलेक्ट्रोड को प्री हीटिंग मतलब पहले से हीट किया जाता है वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करने के बाद तो इलेक्ट्रोड बचता ही नहीं है तो प्री हीट ही किया जाएगा, तो उसमें ओवन एक होता है ओवन, माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना बनाते हैं उसी प्रकार का ओवन, उसका भी उसमें भी आता है जो इलेक्ट्रोड को हीट करने का है। जो वेल्डिंग सेक्शन में होंगे उनको मालूम होगा, जिन नहीं होंगे वो जान लें, उसमें भी उसी प्रकार का ओवन, उसी में जाके उसका टेम्परेचर फिक्स करके और करंट से उसको गर्म किया जाता है। जो डी क्लास वेल्डिंग होते हैं उनको जरूर गर्म, ज़्यादातर गर्म किया जाता है, जो डी क्लास वेल्डिंग आपने कभी वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, तो 54 का हो जाएगा ए। 55 देखिए। द इलेक्ट्रोड इज केप्ड एट, इलेक्ट्रोड इज केप्ड एंड डैश इन स्ट्रेट पोलरिटी, देखिए स्ट्रेट पोलरिटी जो होता है और रिवर्स पोलरिटी होता है, दो प्रकार का होता है, तो स्ट्रेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को कहाँ फिक्स किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोलरिटी में रिवर्स को नेगेटिव में पूछा जाता है, स्ट्रेट मतलब सीधा लेकिन इलेक्ट्रोड रहेगा नेगेटिव उल्टा, ठीक है याद रख रहे हैं, सीधा के जो होगा उसका जो आंसर होगा उल्टा होगा, और रिवर्स पोलरिटी क्या है उल्टा है, रिवर्स मतलब उल्टा लेकिन इलेक्ट्रोड उसमें पॉजिटिव में लगाया जाता है, ठीक है रिवर्स पोलरिटी और स्ट्रेट पोलरिटी दोनों याद रखिएगा, स्ट्रेट पोलरिटी में नेगेटिव में रहेगा उसका होल्डर और रिवर्स पोलरिटी में पॉजिटिव में होल्डर रहेगा, तो याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, और होल्डर जिसका जहाँ रहेगा उसका और क्या बचा, जहाँ अगर नेगेटिव में होल्डर है तो पॉजिटिव में अर्थ रहेगा, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। 52 देखिए। डैश कटिंग यूज टू कट स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील तो जो स्टील वाला जो सिलेंडर होता है उससे तो कटता ही नहीं है, तो कटता कैसे है वेल्डिंग से, वेल्डिंग रोड से बहुत सारे यूज करते हैं, प्लाज्मा कटिंग से बहुत अच्छा कटिंग होता है जो स्टील होते हैं, लेकिन जो मजबूरी में अगर नहीं है प्लाज्मा कटिंग मशीन तो वहाँ इलेक्ट्रोड से भी लोग काट लेते हैं, जैसे ट्रफ अगर फिट करना है आपको कोच के अंदर में तो उसको इलेक्ट्रोड से ही कट किया जाता है, लेकिन आप इलेक्ट्रोड नहीं लगाएंगे वो अनऑफिशियल है, ठीक है वो कभी नहीं रहा मजबूरी में अर्जेंट है तो यूज़ किया जाता है, आप प्लाज्मा आर्क ही लगाएंगे प्लाज्मा आर्क, ठीक है प्लाज्मा आर्क कटिंग, तो 56 का हो जाएगा ए। चलिए 57 देखिए। फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाय, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है याद रखिए, फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सल इज डन बाय, व्हील को एक्सल पर लगाने के लिए किसके द्वारा फिट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है वो कहता है इंटरफेरेंस, ठीक है इंटरफेरेंस याद रखिएगा इंटरफेरेंस। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 58। द कोडल लाइफ ऑफ फोर व्हीलेड टैंक वैगन इज, फोर व्हीलेड टैंक वैगन इज जो होता है, फोर व्हीलेड टैंक वैगन जिसमें चार पहिए ही होते हैं उसका कोडल लाइफ कितना होता है, देखिए सारे अभी पूरा टैंक वैगन से इसका कोडल लाइफ मत मापिएगा, इसका जो कोडल लाइफ फोर व्हीलेड का जो टैंक वैगन होता है उसका अलग होता है, और जनरली जो टैंक वैगन्स होते हैं उसका अलग होता है, ठीक है तो इसका जो हो जाएगा 35 ईयर्स, ठीक है इसका लगाइएगा 35 ईयर्स, 58 का सी। चलिए 59 देखिए। द फूड ऑफ द पुअर इज डिफिशियंट, अच्छा ये ग्रामर है ठीक है, द फूड ऑफ पुअर इज डिफिशियंट विटामिन, मतलब कि जो गरीबों का भोजन होता है उसमें विटामिन कमी होती है, ठीक है तो इसमें क्या यूज होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा फोर, ठीक है द फूड ऑफ पुअर इज डिफिशियंट फोर विटामिन, ठीक है तो इसका हो जाएगा सी। 59 का हो जाएगा सी। मुझे ग्रामर तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, अगर एक दो गलती भी हो सकता है लेकिन गलती होगी नहीं ऐसी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 60 देखिए। 60 का देखिए। ही वॉज असेम्ड हिज कंडक्ट एट द मीटिंग, मुझे
उसका हिंदी तो ये होगा कि उसे सर माना चाहिए वो मीटिंग जो कंडक्ट किया है उसके लिए, लेकिन इसमें ग्रामर में क्या इसमें फील होगा ये आपसे आपको बताना है। तो 60 का हो जाएगा ऑफ, ठीक है, ही वाज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट एट द मीटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सी। आई मीट हिम ओनली, ठीक है, डैश अदर डे, मतलब हम मैं उससे मिला वो दिन छोड़ के उसके अदर डे, कोई फिक्स दिन था उसको छोड़ के कि कोई अलग दे। और आपको मालूम है कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें ए द का प्रयोग होता है, दी का प्रयोग होता है, तो 61 का हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ही गोट डाउन, ठीक है, डैश द मूविंग ट्रेन, जब ट्रेन मूव करे तो गोट डाउन मतलब काम हो गया है, गोट लगाया, ठीक ना, ये जो है वर्ब का तीसरा रूप है गोट। तो आपको मैं ग्रामर आप लोग जानते होंगे, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ये जो काम हो चुका है इसके अनुसार इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो 62 जो है इसका मैं हो जाएगा फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम 62 का बी। चलिए 63 देखिए, अब ग्रामर ख़त्म हो गया, अब थोड़ा साइंस आ गया है। धारा को मापने का मात्रक विदित है, धारा को यानी करंट को कैसे मापते हैं, करंट को कैसे मापते हैं, करंट को मापते हैं हम लोग एम्पियर में मापते हैं, ठीक है, एम्प मापी इसको लिखा हुआ है, एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाए ओम होता है, ठीक है, लेकिन यह करंट को मापने का एम्पियर में मापते हैं, इतना एम्पियर का करंट जो है वायर में प्रभावित हो रहा है। तो 63 का हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध, कार्बन जैसे ही तापमान वृद्धि होगी तो कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा, कार्बन जो है उसका प्रतिरोध होगा घटता है, ठीक है, तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होगी कार्बन का प्रतिरोध घटेगा। उसका 65 देखिए, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक, एमकेएस और एसआई दोनों लगभग सेम ही है, इसलिए एमकेएस प्रणाली में बल का जो है मात्रक होगा और न्यूटन होगा। 65 का हो जाएगा ए। चार प्रकार के मात्रक होते हैं, सीजीएस, ठीक है, जिसमें कि सीजीएस याद रखिए, सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकंड, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, और जो टाइम होता है उसको सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद एक होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, और जो टाइम होता है उसको सेकंड से। उसके बाद ये क्या है, एमकेएस मीटर किलो सेकंड, इसमें होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है। तो इसमें जो है जो बल होगा उसका एकक जो होगा वो न्यूटन होगा। 65 का हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं 66 की तरफ। एक अश्वशक्ति, ठीक है, एक हॉर्स पावर, एच है अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर एकक है, मतलब एक हॉर्स पावर के किसका मात्रक है, ठीक है, तो हॉर्स पावर जो है शक्ति का ही मात्रक है। तो 66 का हो जाएगा सी, ठीक है, 66 का हो जाएगा सी। 67 देखिए, मोटर परिवर्तित करती है, मोटर क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा है यानी कि करंट से चलता है और उसमें गोल गोल जब घूमता है तो उससे पक्के आटे का मील, चावल का मील, इस तरह से मील चलते हैं, तो क्या करता है गोल गोल घुमाता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसा ऑप्शन है बी में, ठीक है, 67 का हो जाएगा बी। ए का वेतन बी के वेतन से 5% अधिक है, अब थोड़ा मैथ भी आ गया। ए का वेतन बी के वेतन से 5% अधिक है, यदि ए का वेतन 30 रुपये हो तो बी का वेतन बताएं। तो ए का वेतन जो है बी के वेतन से 5% अधिक है, ठीक है, 5 नहीं होगा यहाँ, 50 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है, अगर 5 रखेंगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, 50 इसको मानिए। ए का वेतन बी का वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन 30 रुपये है, ठीक है, तो बी का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है, तो ए का वेतन 30 है, तो बी का कितना होगा, तो बी का क्या होगा, ए से 50% अधिक यानी कि 30 से 15
45 हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है 68 का हो जाएगा सी। इसका करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ऑप्शन कुछ भी नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप मिले तो आप कुछ भी मार दीजिए, ऐसे या तो छोड़ दीजिए हम मारिए कुछ भी नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर कटना होगा तो सबका कटेगा, और हाँ पॉइंट मिलना होगा तो सबको मिलेगा। चलिए, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो कार का क्रय मूल्य कितना होगा? 45,000 में बेचा तो 10% की हानि हो इस है, तो ख़रीदा कितना में होगा? तो कितना में से 10% घटाएंगे तो 45,000 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, 69 का जो है 50,000 मानिए, 50,000 में से 10% हो गया 5,000, तो 50,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 45,000 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसमें टिक लगे सॉल्व करने के ऐसे ऐसे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये का 5 पैसे प्रति रुपये तिमाही की दर से 1/1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यानी कि 1.5 साल का ब्याज का होगा, लेकिन तिमाही चल रहा है, ठीक है। तो तिमाही जब भी चलेगा तो टाइम में 4 से गुना किया जाता है, ठीक है। टाइम में नहीं दर में 4 से गुना किया जाता है, लेकिन यहाँ तिमाही लिखा हुआ है और तिमाही ही चल रहा है 5 पैसे, तो इसमें कुछ भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 200 रुपये मूलधन है, 5 पैसे 1 रुपये में 5 पैसा चलता है, ठीक है। तो 200 रुपये में कितना चलेगा? 1 रुपये में चलता है 5%, ठीक है। 1 रुपये में 5%, 200 रुपये में 5×200, ठीक है, 5 पैसा × 200 यानी कि 1,000 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 1,000 पैसा हो जाएगा, 1,000 पैसा मतलब 10 रुपये, ध्यान से देखिएगा, 1,000 पैसा मतलब 10 रुपये, यानी कि 200 रुपये का जो है 1 साल का ब्याज 3 महीने का ब्याज 10 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमें कितना महीने का पूछ रहा है? 18 महीने का पूछ रहा है, तो 3 महीने का हो गया 10 रुपया, कितना है 1.5 साल है ना, 12×6=18, ठीक है। तो 3 महीने का हो गया 10 रुपया, तो 3×6=18, ठीक है, 6×3=3 महीने होगा, तो 6×10=60 रुपया हो जाएगा, 60 का 70 का हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। इसको बनाने का नहीं, ऐसे ही काम हो गया। अच्छा, एक आयताकार कमरा है जिसका 6 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक आयताकार कमरा है मतलब वो घनाभ हो गया, कमरा अगर आयताकार है, सिर्फ आयत है तो आयत है, लेकिन कमरा बोल दिया तो क्या हो गया? घनाभ हो गया। यदि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर हो, देखिए इसमें आप चित्र बनाना पड़ेगा, ये आयत है, थोड़ा बड़ा बनाना होगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है, मुझे तो सबको समझाना है। ये आयताकार कमरा हो गया, समझ लीजिए कि कमरा है, ठीक है। चलिए, आयताकार कमरा है, इसका क्या मालूम है हमें? कमरे की 6 मीटर चौड़ाई, तो चौड़ाई तो यही होगा, ठीक है, ये 6 मीटर है, और चौड़ाई ये 3 मीटर, ऊंचाई मालूम है, तो ऊंचाई तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। 3 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा कमरा है, ठीक है, ठीक, ये मालूम हो गया और ये मालूम है, कोई इसमें नहीं, नहीं कमरा का जो ये चौड़ाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन ये मालूम हम लोगों को नहीं है। तो ऐसा ये क्या है? आयत है, ठीक है, यह देखिएगा आयत है, सिर्फ इसको हम, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको मालूम है, तो ऐसा ऐसा आयत दो है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, तो दो दीवार का तो हम ऐसे निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 6×12, ठीक है, और 3 है ना, ये 3, दो नहीं 3 है, ऐसा 2 है लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3, तो 6 और 3 से गुना कीजिएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 18 हो जाएगा, और 2 ऐसे ऐसे कमरे हैं तो 2×2 कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। दो दीवारों का क्षेत्रफल 36 निकल गया, अब बाकी बचा दो दीवार, एक दाएँ वाला और एक बाएँ वाला, तो उन दाएँ बाएँ वालों का, उसमें एक का आपको चौड़ाई मालूम है, उसमें ऊंचाई मालूम नहीं है, तो उसका अगर आप निकालिएगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है, 6x 6 और 1 मान लिए हैं x, उसमें तो एक ही मालूम होगा चौड़ाई ही, लंबाई तो साइड बाई साइड वालों का था, तो एक का दो, इन दोनों का हो गया 6x और इनका हो गया 36, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन टोटल 4 यहाँ दिया हुआ है, 36 + 6x, ठीक है। जगह के अभाव में बनाने में तो परेशानी होती है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा।
तो देखिए ठीक है, अब इसमें से ये जो है प्लस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो 81 में से 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो हो गया 5, और ये 7 में से 3 गया हो गया 4, 45 हो गया। और देखिए इधर भाग में है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 45 को 6 भाग में बांटिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 को 6 भाग में बांटिएगा तो 45 का हो जाएगा 22.5, 7.25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 7.25 ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है, 7.5 दिया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 7.5। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। मैथ में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस टाइम इसलिए लगता है कि जगह नहीं मिलता है। एक हौज का आयतन 75,000 लीटर है, ठीक है, और उसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर हो तो ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई जो है 75,000 लीटर, देखिए 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो 75,000 लीटर बराबर 75 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 75, तो इसमें क्या है आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो हम एक चौड़ाई और क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई हम मान लिए, तो ऊंचाई मान लिए x h, तथा ऊंचाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया हुआ है कितना 75। इसको भी हम लीटर में बदलते हैं। चलिए आप 75 में क्या करेंगे, ये देखिए इधर भाग गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 75 में 15 में 10 से गुना किए तो 150 हो गया, इसको कांटे दे 1/2 हो गया, और वही 1/2 आपका आंसर हो गया, यानी कि 72 का हो गया सी। चलिए 73 देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है, बिजली के इंजन जो है रिपेयरिंग का बोल रहा है, नया का नहीं बन रहा है, तो जो बनाती है वो, और नया भी इसमें शामिल है क्योंकि इसमें रिपेयरिंग तो लिखा हुआ नहीं है, तो कपूरथला में, तो ICF कपूरथला, RCF कपूरथला है, उसमें तो कोच वैगन का काम होता है, चितरंजन है ये बनाती है, पेरामबूर में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको वाराणसी और चितरंजन ले लेंगे ए। ठीक है, 73 का हो जाएगा ए। 74 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, आपको सभी जोन का मुख्यालय भी याद होना चाहिए, हम जिस क्वेश्चन को बनाते हैं उसी क्वेश्चन का मुख्यालय सिर्फ याद करते रहिएगा, तो उसी में बहुत सारे मुख्यालय आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, लाल सागर भूमध्य सागर को, जब आप परीक्षा कर तैयारी कर रहे होंगे रेलवे में आने के लिए, तब ये सब क्वेश्चन आपको, ये सब क्वेश्चन जरूर मिला होगा। ठीक है, 75 का होगा ए, लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर। 76 देखिए, ये छेवदास लिखा गया है, एक्चुअली में देवदास है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनाने वालों से मिस्टेक है। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, देवदास जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो देवदास उपन्यास है वो लिखा गया है शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, शरत चंद्र चटर्जी। 76 जो है उसका हो जाएगा ए। 77 देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है, जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का सृजनकर्ता है उनका नाम है नेकचंद। ठीक है, नेकचंद, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन प्रेमचंद दिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, याद रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन ए में है, तो जो 78 है उसका हो जाएगा ए, 78 का ए, कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति जो है उनको पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही दिलाते हैं। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री है उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो प्रधानमंत्री को भी शपथ दिला सकते हैं। क्वेश्चन 80 देखिए, भारत स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ, जो तो स्वतंत्र भारत हो गए, जब हो गए थे भारत आज़ाद हो गए थे तो आम चुनाव कराया गया, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा देश, लोकतंत्र बनाना था, तो पहली जो आम चुनाव हुई 1951 से 1952 के बीच में हुई है, और अगर बिल्कुल डेट अगर आप सब पूछ दें तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक के बीच में ये चुनाव हुई, और फर्स्ट वोट जो है हिमाचल प्रदेश के चिन्नी, ठीक है, चीनी नाम है, CHINI, चीनी नामक स्थान पर पहला वोट जो है डाला गया, और उस समय जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत से बहुमत में है
उस समय उनका जो पार्टी था उनका नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है, जनसंघ से हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय भी उस चुनाव में भी 3 सीटें आई थी, ठीक है, और क्योंकि नया नया देश स्वतंत्र हुआ था, कांग्रेस ने बहुत ही संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनका अच्छा योगदान था। उस समय एक ही पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस, इसलिए लोगों को कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा था। और उस समय कांग्रेस की लगातार, ये तो राजनीति हम लोग चले गए, चलिए छोड़िए उसको, 80 का हो जाएगा, 80 का डी, चलिए 81 देखिए। कंप्यूटर के आंकड़े या आदेश लेने के लिए, देने के लिए, लेने नहीं, देने के लिए किस किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू के माध्यम से ही जो कंप्यूटर को कोई भी आदेश हम लोग देते हैं, ठीक है, तो सीपीयू से ही इनपुट होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सीपीयू। 42 देखें, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग है? डेटा का संग्रहण कंप्यूटर की कार्यप्रणाली वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी गणना करने का कार्य। तो जो डेटा प्रोसेसिंग का जो मीनिंग है वो है डेटा का संग्रहण, ठीक है, डेटा संग्रहण। चलिए आगे देखिए, 83, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? सिस्टम यूनिट के मेन जो सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको जो कहा जाता है वो कहता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड होता है, बहुत मेन वही होता है, ठीक है, कंप्यूटर में। तो 83 का हो जाएगा सी। प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेसर का क्या कार्य है? तो प्रोसेसर का जो कार्य है वो है डेटा को प्रोसेसिंग करना, यही तो उसका कार्य है, ठीक है। तो 84 का हो जाएगा बी। 85 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? किस अनुच्छेद में लिखा है? तो जो अनुच्छेद है उसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और देवनागरी उसकी लिपि है, तो ऐसा लिखा हुआ है 343 आर्टिकल का पहला, ठीक है, आर्टिकल 343 का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 देखिए, निम्न में से भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं होते हैं? तो राजभाषा 1976 किस पर लागू नहीं होते हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो ये तमिलनाडु है, ठीक है, इसका हो जाएगा डी, तमिलनाडु, इसमें भारत राजभाषा अधिनियम 1976 लागू नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 87 देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा, जम्मू कश्मीर कमेंट नहीं कीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य राजभाषा नियम 1976 के तहत ख क्षेत्र में आते हैं? कौन सा नियम राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत ख क्षेत्र में आते हैं? तो ख क्षेत्र ग तीन प्रकार के क्षेत्र हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा स्टेट पूछ रहा है, ख क्षेत्र में आने वाले पूछ रहा है, तो गुजरात जो है ख क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड तीनों ख क्षेत्र में आते हैं, तो 87 का हो जाएगा बी। चलिए 88 देखिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, तो 88 का हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है जो कि अब नज़दीक में ही है, आने वाली है। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ हैं? तो राजभाषा अधिनियम है उसमें कितनी धाराएँ हैं? तो 9 धाराएँ हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। राजभाषा अधिनियम के जो रूल्स हैं उसमें कौन सा ऐसा रूल्स है जिसमें हिंदी में जो प्राप्त पत्र होगा उसका उत्तर हिंदी में ही देंगे? तो एक रूल्स है जिसमें लिखा हुआ है कि हिंदी में किसी प्रकार का लेटर आता है और उसका उसमें हस्ताक्षर भी हिंदी भाषा में किए हैं तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नियम है नियम 5, ठीक है, नियम 5। नियम 7 एक है इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी इम्प्लाई अपने जो है अपनी भाषा हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का लेटर जो है लिख सकता है। यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं हैं तो आप अंग्रेजी में लिखिए या हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा।
कि आपने हिंदी में ही क्यों लिख दिया या अंग्रेजी में ही क्यों लिख दिया। 92 देखिए, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति होता है उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो क्षेत्र के जो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं उन्हीं को क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ तो सबसे बड़े अधिकारी महाप्रबंधक हैं, तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा क्षेत्रीय राजभाषा कार्य समिति का। चलिए आगे देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि वही होंगे, दूसरा भी हो सकते हैं, जो भी वहाँ का वरिष्ठ होगा उन्हीं को बनाया जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब डिवीजनल स्तर पर जो होगा DRM होता है, ठीक है, डिविजनल रेल में प्रबंधक जो होता है वही होता है। तो 93 का हो जाएगा रेल मंडल रेल प्रबंधक सी। चलिए आगे देखते हैं 94 का, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के तहत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। यात्रा वृत्तांत पर आपको पुस्तक लिखेंगे कि कहीं से कहीं जाने आने के बारे में हिंदी में, तो उसके लिए भी पुरस्कार मिलता है, और पुरस्कार की जो राशि है वो है तृतीय पुरस्कार पूछ रहा है। पहला पुरस्कार जो है 10,000 का है, दूसरा 8,000 का है, और तीसरा जो है 6,000 का है। तो यहाँ तीसरा पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 94 का बी। चलिए 95 देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप 110 क्वेश्चन करा रहे हैं तो समझिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसी तरह तैयारी करते रहिए, लगे रहिए चैनल। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा होगा, लग रहा होगा कि काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं। और जिनको नोट्स हमारा परचेस करना है वो 1 जून से उसका 2,000 रुपये रेट हो गया, पहले 1,000 था। अभी बहुत सारे लोग का फोन आता है, सर आप प्लीज़, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता अभी रूल्स के लिए। आप बताइए, आप ही लोगों में से हमने 2,000 किससे लिया है, तो किसी से 1,000 कैसे लेंगे। सबके लिए बराबर रूल्स लगा हुआ है, आपको कोई इसमें डिस्काउंट 1 रुपये भी नहीं होगा, बिल्कुल आपको 2,000 रुपये देना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8121390916, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा मैसेज आता है सर थोड़ा डिस्काउंट कर देते, ऐसा कुछ भी करने से अच्छा नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन 95 देखिए, रेल आचरण नियम के किस नियम के तहत, यानी अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इन दियर टू बी बैन ऑन रेंटिंग रेलवे एकोमोडेशन। जो रेलवे जो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, आवास जो मिलती है उसको किराए पर नहीं लगा सकते हैं, ऐसा किस रूल में कहा गया है, रेलवे के आचरण के किस रूल में कहा गया है। तो वो रूल है नियम 15 का ए है, ठीक है, रूल 15 का ए, जिसमें कहा गया है कि अपना क्वार्टर किराए पर नहीं देना है। रेल आचरण अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशनड, मतलब किस नियम के तहत चल और अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख आपको करना है। तो 96 जो है उसका हो जाएगा नियम 18, ठीक है, नियम 18 हो जाएगा। 97 देखिए, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इट इज फॉर बिटेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, मतलब ये जो है राजनीति में भाग लेना आपको वर्जित है। मालूम है कि कोई भी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उनको जो है पॉलिटिक्स में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं करना है, ना ही चुनाव लड़ना है और ना ही किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट करना है। और ऐसा रूल्स जो बनाया गया है वो रूल्स जो है कौन सा है, रूल्स 5 है, ठीक है, रेल आचरण का नियम 5। चलिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है SF1 है, यदि डिम्ड आपको लगे डिम्ड सस्पेंशन तो SF2 होगा, यहाँ SF1 ही होगा। चलिए 99 देखिए, व्हाट अमाउंट इज गिवन टू सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो है निर्वाह भत्ता, जो सस्पेंशन के अंडर में अगर किसी को रखा जाता है तो उसको निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए जो है कितना परसेंट, तो मिनिमम 50% है, मैक्सिमम 75% है, तो ये उसका बी हो जाएगा। ये तो 50 से ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं है 75 के बारे में, तो 99 का हो जाएगा बी। चलिए 100 देखिए, DAR में अपील की समय सीमा क्या है। डिसिप्लिन अपील रूल में जब आपके आप चार्जशीट लगेगी तो आप उसके विरोध में अपील भी कीजिएगा, तो उसकी कितनी सीमाएं हैं, कब तक आप ये इसका ये कीजिएगा, तो वो जो कीजिएगा आप, आपको 45 डेज़ के अंदर करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
101 फॉर इशू ऑफ नॉमिनेटेड प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अच्छा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो नॉमिनेट किए करने का है जो है वो कौन सा है, ये तो उसको कौन सा फॉर्म में उसको दर्शाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। फॉर्म जो है जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 से लेकर 11 तक या 12-13 भी है उसको भी ध्यान में रखें तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से 1 और 2 ये तो, अब 5 और 11 ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी याद कीजिएगा तो आपको काम आ सकता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नॉमिनेशन कब किस फॉर्म के तहत किया जाता है, तो वो है SF-8। ठीक है, SF-8 हु इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो है सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन है। सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी जो है राष्ट्रपति होता है हमेशा, भले ही प्रधानमंत्री का कार्य सीमा ज़्यादा है लेकिन मेन हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति का ही होता है। हाउ मैनी इनेक्चर शुड बी अटैच्ड विथ चार्जशीट फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए जो आरोप पत्र के साथ कितने एनेक्चर होते हैं, लग्न कितने होते हैं वो पूछ रहा है, तो वो जो है 4 होते हैं। ठीक है, 4। चलिए 5 देखिए। हाउ मैनी डिविजन आर देयर ऑन इंडियन रेलवे। देखिए ये 4 होते कि नहीं इसमें डाउट है, आप इसको कमेंट में, अगर आप गलत है तो इसको कमेंट में आप बताइएगा। हाउ मैनी डिविजन आर देयर ऑन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में कितने डिविजन्स हैं, तो ये क्वेश्चन पहले का है तो उसी के अनुसार 68 डिविजन्स आंसर इसका होगा। अभी वर्तमान में कितना है ये सबको आपको मालूम होगा, ये तो कॉमन सी बात है। रेलवे ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है, वेयर इज RRT। ठीक है, रेट्स रेलवे ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है, तो ये कार्यालय जो है चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में। RCT रेलवे क्लेम, ऐसे रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसको अच्छा से लिखता तो रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है। ठीक है, रेलवे लिखा गया है तो याद रखें रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का कार्यालय चेन्नई में है। RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है, तो 106 का हो जाएगा सी। 107 देखिए। RDSO कहाँ है, RDSO लखनऊ में है। ठीक है, चलिए RDSO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। WCR का मुख्यालय यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर है। 108 का हो जाएगा ए। 109 देखो। UPSC के द्वारा चयनित IRMS के अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो नियुक्त होते हैं वो IRMS, उनको अधिकारी जो उनका प्रशिक्षण की अवधि यानी कि ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है, तो वो होता है 6 मंथ्स का। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा के मुखिया प्रधान को कहा, कोई भी रेलवे का कॉलेज अगर है वहाँ के जो होते हैं मेन जो उनका होते हैं उनको डायरेक्टर कहा जाता है, जैसे इर्मी है या जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है सबको डायरेक्टर ही कहा जाएगा, तो 110 का हो जाएगा ए। तो 110 क्वेश्चन हो गया है। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।